स्टंटबाजी करने वालों की खैर नहीं, स्टंटबाजी करने वालों की खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस लगातार हरकत में है। अगर आप भी किसी तरह की स्टंटबाजी करते हैं और हेलमेट भी आप लोगों ने नहीं पहनी है, यानी कि पूरे तरीके से कोई भी किस तरह की कसर जो है आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने में नहीं रखते हैं, तो आपकी खैर नहीं। इस वक्त ठीक हम जम्मू के ठीक बाईपास नगरोटा में मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक नाका यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर स्टंट मारने वाले लड़कों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई जा रही है और किसी भी तरह की अगर कोई ट्रैफिक रूल्स में वायलेशन की जा रही है तो उसके खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई जो हुआ। आप देख सकते हैं कि DTI यहां पर मौजूद हैं सुनील जी, वो लगातार यहां पर चलान काट रहे हैं और किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन कर रहा है, हेलमेट अगर किसी ने नहीं पहना है तो उसका चलान यहां पर जो है वो काटा जा रहा है। ऐसे आया था, आपने हेलमेट तो पहननी चाहिए ना आपको, रोड पे चले हो आप, हाईवे पे चल रहे हो, ऊपर से हेलमेट नहीं है आपके पास और DL भी नहीं है आपके पास, आप गाड़ी साइड पे लगाइए, इधर जाइए साइड, तो किसी को गाड़ी नहीं देंगे अभी, इसको घर से बुलाओ, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, किसी को अपने पेरेंट्स को बुलाओ, किसी को उन्होंने कैसे गाड़ी दी थी आपको चलाने के लिए। देख सकते हैं कि फिलहाल ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वालों के खिलाफ, तो देख सकते हैं कि बिना हेलमेट के अगर आप लोग अपने सफर के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी खैर नहीं है और किसी भी तरह से अगर आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। DTI सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर लगातार जो है वो स्टंट मारने वाले लड़कों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो ट्रैफिक रूल्स के ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है लगातार जारी है, आज जिस तरह से एक बाइक वाले को यहाँ पर रोका गया, क्या कहेंगे? इन्हें हेलमेट नहीं पहनी थी और जब इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं दिखा पा रहे हैं और इन्होंने इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। सुनिए सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मापियों को जो कहीं ना कहीं बच्चों को जो हो इस तरह से चाबियां थमा देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा जने की टीनेज में चाबियां थमा देते हैं, बाद में अक्सर जो है वो बच्चे जो है हादसे का शिकार होते हैं जिसके बाद आंसू ही जो हो पीछे रह जाते हैं। देखिए, हम माँ बाप से यही अपील करेंगे कि अपने बच्चों को जब तक कि वो 18 ईयर्स का ना हो जाए और उसके पास प्रॉपर एक वैलिड लाइसेंस ना हो जाए तो उसको गाड़ी लेके ना दे और ना ही गाड़ी को ड्राइव करने दें। बिल्कुल, इससे हादसे का शिकार होते हैं और इसका जो खामियाना है वो माँ बाप को भुगतना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अक्सर सुर्खियों में आती है और ट्रैफिक पुलिस पर संगीन इल्जाम भी जो है वो लगते रहते हैं कि पुलिस जो है वो बिना वजह परेशान करती है, उन पेरेंट्स को क्या अपील करेंगे उनसे आप कि ट्रैफिक पुलिस को कोई किसी तरह की कोई मतलब वो नफरत नहीं है कि वो उनको चालान जरूर करे, बल्कि खुद भी कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ट्रैफिक पुलिस आपकी सहूलियत के लिए आपकी, आप घर से सेफ निकलें और घर में सेफ चलें, यही हमारा टारगेट रहता है कि कोई जो एक वायलेटर जो भी मतलब कि घर से निकलता है गाड़ी लेके, तो वो घर में गाड़ी लेके वापस सुरक्षित आए, यही हमारा एक मोटो रहता है और रोड पे सेफ चलें, यही हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बाइक वाले को फिलहाल यहाँ पर रोका गया है और नगरोटा की बात करें तो यहाँ पर अक्सर वो लड़के ज्यादातर पकड़े जाते हैं जो स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक नौजवान को यहाँ पर रोका गया है और इसका भैया आपका हेलमेट नहीं था या क्या था? हेलमेट नहीं था। बाकी डॉक्यूमेंट है गाड़ी के? गाड़ी के तो डॉक्यूमेंट है। फिर क्यों रोका गया है? हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं, अभी आपको क्या कह रहे हैं, गाड़ी चलान करेंगे क्या करेंगे? तो देख सकते हैं कि जब भी आप लोग अपने सफर के लिए घर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक रूल्स का खास ध्यान रखिएगा ताकि बाद में आपका जो है वो चालान ना कटे और ट्रैफिक पुलिस को भी किस तरह का कोई सख्त कदम उठाने पर जो है मजबूर ना होने पड़े। फिलहाल आपको ठीक हमने बाईपास नगरोटा के पास की तस्वीरें बताई हैं, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस आज फिर से हरकत में है और ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन करने वालों के खिलाफ बड़ी मुहिम लगातार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी है और अगर किसी शख्स ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अगर आपने गाड़ी को नहीं लगाई है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और साथ ही साथ किसी भी तरह की अगर कोई वायलेशन हो रही है तो उसे भी जो है वो यहाँ पर हाँ जी अभी कहाँ जाना आपने? हम बंबई जाएं। जाना कहाँ है? अपना सर जो
देख सकते हैं कि फिलहाल ट्रैफिक पुलिस लगातार यहां पर हरकत में है और उन बच्चों के माँ बाप से भी अपील कर रही है जो बच्चों को बिना लाइसेंस मिले जो है वो गाड़ी उनके हाथ में थमा देते हैं और जिससे अक्सर बच्चे जो हैं वो स्टंट करते हैं और ऐसे में कई बच्चों की जो है वो जान भी चले जाती है। बच्चों के पेरेंट्स से भी हमारी ये अपील रहेगी कि अगर देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला भी जो हो यहाँ पर बिना हेलमेट में है, अगर रक्षक ही बक्षक बन जाएंगे तो ऐसे में ट्रैफिक नठेगा ना। मैं यार वर्दी पा के थोड़ी ना। आप पुलिस में? जी आप पुलिस में? आपका बैच नहीं है आपका? आप उनके ऊपर गाड़ी ना चढ़ाएं, आप आराम से रोके, आप खुद एक जिम्मेदार इंसान है। आपका बैच कहाँ पे है? आप पुलिस में? भैया पुलिस में कहाँ पे आपकी ड्यूटी? सर आपका बैच भी नहीं है, आपको कैसे पहचाना जाए कि वाकई आप पुलिस में? भैया आप शर्मा क्यों रहे हैं, आप बताइएगा कि क्योंकि अक्सर जो है वो आप लोग ही अगर इस तरह से वायलेशन करेंगे तो आम लोग आपसे क्या सीखेंगे। ये गाड़ी का नंबर है और गाड़ी भी जो है वो नंबर सही से पढ़ा नहीं जा रहा है, PV 35H, और बाकी का नंबर देख सकते हैं पढ़ा नहीं जा रहा है। आपने हेलमेट नहीं डाला और आपकी नंबर प्लेट भी थी, हम आपको कोर्ट का चलान करेंगे। ठीक है, गलती सर, PV 35H। ट्रैफिक पुलिस यहां पर आप जो है वो चलान काट रही है इनका। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहलकार है जिसे यहाँ पर रोका गया है और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर इसे जो है वो चलान कर रही है। फिलहाल इन्होंने जो है वो हेलमेट नहीं पहना था और गाड़ी की नंबर प्लेट भी जो है वो सही नहीं है, इसके चलते जो है वो यहाँ पर DTJ सुनील सिंह जी जो है वो इस जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार को जो है वो कोर्ट का चलान कर रहे हैं। हालांकि रोकने की कोशिश की गई लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद, कोशिशों के बाद इसको यहां पर रोका गया है। किसी भी तरह की कोई नेम प्लेट जो है वो नहीं लगाई गई है जिससे पहचाना नहीं जा सकता कि आखिरकार कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस की वर्दी इसमें पहनी है, जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी इसने पहनी है। तो ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो इसी तरह से अपनी कार्रवाई जारी रखे, जिस तरह से एक ईमानदारी की मिसाल जो है वो इस वक्त यहाँ पर। सर आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? गाड़ी के आगे देखिए, गाड़ी के आगे क्या लिखा है, ये पुलिस की गाड़ी है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं श्रीनगर। श्रीनगर जा रहे हैं, तो कहाँ पे, ये लोग कौन है पीछे? पुलिस के हैं। आप पुलिस में हो? नहीं मैं सिविल हूँ। आप सिविल हो, तो ये गाड़ी के आगे पुलिस कैसे लिखा है आप? ये रेंट पे है गाड़ी, रेंट पे है ना गाड़ी, तो रेंट पे है तो क्या आप सीट बेल्ट नहीं पहनते? पहनते नहीं पहनते, फिर आपने तो पहनी नहीं है। अभी यहाँ से आए ना, यहाँ से हम यहाँ से तो गाड़ी तो चला रहे हो ना। एक मिनट, फिर आपने क्यों नहीं, गाड़ी के आगे पुलिस लिखा हुआ है और आप कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी नहीं है, गाड़ी रेंट पे ली है, तो क्या रेंट वालों को हेलमेट, ये माफ कीजिएगा, ये सीट बेल्ट नहीं पहनना होता? हम मानते हैं कि आपसे गलती हुई है, तो देख सकते हैं कि पुलिस के लोग भी यहाँ पर अक्सर जो है वायलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ठीक नगरोटा में बड़ा नाका जो सुनील सिंह जी की जानिब से यहाँ पर लगाया गया है और जिसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो पुलिस का चालान भी यहाँ पर काट रही है। अगर कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर वायलेशन करता है तो उसमें कई सारे लोग जो है वो पुलिस के भी हैं, उनका चालान। आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। लाइसेंस है ये देख सकते हैं, ये काफी सारे लोगों के पास लाइसेंस भी जो है वो नहीं है और गाड़ी में पुलिस के लोग बिठाए हैं, गाड़ी पुलिस की है, आगे पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन बंदे जो पीछे हैं वो भी ASI हैं, कुछ और भी पुलिस के लोग हैं, पर लाइसेंस नहीं है। ये किसी आखिर
जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। कल भी हमने आपको खबर बताई थी, यहाँ पर SDPO की गाड़ी का चालान नहीं काटा गया था, लेकिन आज तारीफ करनी होगी ऐसे ऑफिसर की, सुनील सिंह जी की, जो इस वक्त नगरोटा में DTI के बतौर तौर पर तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर किसी को भी जो है बख्शा नहीं जा रहा, चाहे कोई आम इंसान है या फिर कोई भी अगर वायलेशन कर रहा है, चाहे कोई ऑफिसर है। यहाँ पर पुलिस की गाड़ी को भी रोका गया और इसका भी चालान अब काटा जाएगा, क्योंकि सीट बेल्ट किसी ने नहीं पहनी थी और गाड़ी के आगे पुलिस लिखा गया, और साथ साथ गाड़ी में पुलिस के जवान भी जो है बैठे हुए हैं। गाड़ी श्रीनगर की ओर जा रही है। आखिरकार इसी की वजह से शायद कई सारे जो है बड़े बड़े हादसे देखने को मिलते हैं, जब इस तरह से जो है वायलेशन ट्रैफिक रूल्स की देखने को मिलेगी। फिलहाल आप देख सकते हैं सर, श्रीनगर जा रहे हैं आप, उनको श्रीनगर जा रहे हैं आप, तो पूछो वो हमारा अफसर कौन है आपका, नीचे गया ना, कहाँ गया, वो आगे आगे गाड़ी के कहाँ पे आगे वाला, ये आगे वाला कोई ऑफिसर है, इधर तो कोई है नहीं, इधर नहीं है भाई साहब, मेरे कैमरामैन, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि इधर नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये पुलिस की गाड़ी है और ये पुलिस की गाड़ी है, इसकी जांच भी करनी होगी। हम ये अपील करेंगे ADGP जम्मू से कि इसकी जांच होनी चाहिए। गाड़ी के आगे पुलिस लिखा है और ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का जेरे नंबर है JK01X8332। ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा नंबर पर फोकस कीजिएगा, JK01X8332 ये गाड़ी का नंबर है और गाड़ी के आगे पुलिस लिखा हुआ है और गाड़ी में दो लोग पुलिस के ही मौजूद हैं, और कोई भी गाड़ी का किस तरह का लाइसेंस जो है वो जो गाड़ी चला रहे हैं ना ही उनके पास है और ना ही सीट बेल्ट उन्होंने पहनी है। काबिले तारीफ काम है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का, जो लगातार यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करने वालों के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुहिम यहाँ पर छेड़ रखी है। इसमें आम इंसान, यानी कि अक्सर देखा जाता है कि आम इंसान का ही चालान होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर चालान जो है वो कर रही है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे अफसर का जो है वो सभी लोगों को पता चल सके, एक ऐसे ईमानदार और सच्चे ईमानदार अफसर का पता चल सके कि नगरोटा में इस वक्त सुनील सिंह जी जो तैनात हैं। ऐसे ऑफिसर को जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम मुबारकबाद देती है और सल्यूट करती है। ऐसे दबंग, ऐसे होनेस्ट और ऐसे ईमानदार, ऐसे सच्चे ऑफिसर को जम्मू परिवर्तन की पूरी टीम और जम्मू कश्मीर की पूरी जनता की जानिब से हम ऐसे ऑफिसर को सल्यूट करते हैं जो इस तरह से ईमानदारी का काम इस वक्त बाईपास नगरोटा के पास कर रहे हैं। और यहाँ पर DTI के बतौर तौर पर इन्हें ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर तैनात किया गया है और काफ़ी ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि आम इंसान को ही चालान होता है, लेकिन यहाँ पर DTI सुनील सिंह जी के साथ तमाम उनकी जो टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी की लहर भी है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुस्तैदी से और ईमानदारी से यहाँ पर नगरोटा की पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर काम कर रही है। और कोई भी अगर वायलेशन कर रहा है ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रूल्स की, उसमें चाहे कोई पुलिस का आला हुकाम हो या फिर आम इंसान हो, उसे जो हो बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आप लोगों से भी हम ये अपील करते हैं, बराह मेहरबानी करके जब भी आप लोग अपने घरों से बाहर निकलें सफर के लिए, तो ट्रैफिक रूल्स का खास ध्यान रखिएगा ताकि ट्रैफिक पुलिस को आप लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर जो है वो ना होना पड़े। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।